डिंगलर ट्रावल में आप गणमान स्वागत करूं। आज आप समय नजर करूं कलजुगरा ब्रह्म अवतार खेतेश्वर भगवान री एक कीर्ति जश गाथा। जद धरती माथे अज्ञान अंधकार और पाप बदन लगे और धर्म घटन लगे, उन भगत भगवान किणिन किणी रूप में प्रगट होय, जगत रो संताप मेट, मिनखों ने सत्रो मार्ग बतावे। ए कुदरत रो पूरा पूरी रो सनातन रहो है। इन धरती माते कई ऋषि मुनिया अवतार ले जोग तप और त्याग रे बलसों आसुरी और विष तत्वों रो नाश कर अमृत तत्व ने अखी राख्यो। विज्ञान कहवे मिनक बांदरों री औलाद है, पण अपौरा सनातनी शास्त्र कहवे के मिनक ऋषियों री औलाद है। वो बात सही है के अपन सगड़ा ऋषियों री संतान हो। ऋषि मुनियों री महिमा माथे मो एक स्वर्णिर गीत बनायो, वो आपने अर्ज करूँ। देवासुर युद्ध में युवारण देवता दान में दधीची हाड दीदा, इला पर या विया ऋषि वर अनेक करोड़ उपकारिया काज कीदा। वदावलक वाल्मीकि जमदग्नि अवतरिया नारद अष्टावर्त वशिष्ठ नामी, पाराशर याज्ञवलक शनकादिक प्रगटिया अतिथि पर धर्म री डोर थौमी। सुखदेव अगस्त विश्वामित्र शरीखा द्रोण भृगु कण्वदूर वाषा, धाम अमरापुर ऋषि गण धाविया विगत अखियात शिवलोक बाषा। नारद पतंजलि चरक समीप जा औखद विज्ञान घणायुप जाया, गर्ग धौम्य ऋषि चवन गोमिला कणाद कृभाचार्य कश पाया। भारद्वाज मैत्रायण पुलस्त भरुचि वैश्पायन जबाली वेद व्यासा, अंगीरा विश्रवा लोमश अनादिय अक्षपाद गौतम मुनि अगन बेशा। भाषा भगवान ब्रह्मा जी रे मुखसू ब्राह्मणों री उत्पत्ति हुई। मन के जूण में ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचो और पवित्र मानी जाए। मिनखरे शरीर में ब्राह्मण रो स्थान शीश री ठोड़ मानी जाए। भारत खंडरी सनातनी परंपरा अर्देवतुल संस्कृति मुजब सगड़ाए वरण चोटी और तिलकधारी ब्राह्मण ने देख श्रद्धासु हाथ जोड़ पगों में मस्तक नमावता कहवे महाराज पगे लागू। ऋषि मुनियारी इन सतवादी सनातनी परंपरा ने थिर राखण सारू भगवान ब्रह्मा जी विक्रम संवत 1969 री बैसाख सुधी पहुँचम सोमवार 22 अप्रैल 1912 रे दिहाड़े ब्राह्मण कुल रे सबसू उजड़े राजपुरोहित केड़ में राजस्थान रे जालौर जिला री सांचौर तहसील रे खेड़ा गांव में उदेश खोपरा शेर सिंह जी री अधंगा शृणगारों देवी री कोक्षों ब्रह्म ऋषि खेतेश्वर रे रूप में अवतार धार्यो। जलमते पाण बालक रो अलौकिक तेज देख मात पिता घना मोदी ज्या और नवे दिन जोशी जी आय टीपणे मुजब टाबर रो नाम राख्यो खेत सिंह। भाषा बालपणे शु अंतर्मुखी एकांतवासी और सत्संगी स्वभाव देख 12 वर्ष की उम्र में मोटा भाई भोम सिंह जी खेत सिंह जी रो मन संसारिक मोह माया में लगावण सारों गोलिया गांवरा शिया खोपरे राजपुरोहितों रटे सगाई कर दी थी और ब्याह रीते बड़ो होने लगी। इन दमा दमरो भणकारो जद खेत सिंह ने लाग्यो तो वो खुद एक चूंदड़ी ले शगपण वाले उन घर गए और उन कन्या ने ओढ़ाए माथे हाथ फेर बहन कहे बंतलाए और पाछो आवरे घर आ गया। घर वालों ने ठा पड़ी तो गांव वालों ने ठा पड़ी तो कई उपदेश देवण वाला आ गया, पर ब्रह्मा अवतार आप रे सत पंथ सू निड गयो। भगत 12 वर्ष री बाल अवस्था में राम नाम री लगनी लागी और आप रो नाम खेत सिंह सू फोर खेता राम लख लीधो। पिताजी रे देवलोक हो पछे खेता राम जी आप रे भाई भोम सिंह रे शाग दे आप रे मूल गांव शरणा आ गया। भाषा बाल बैरागी मुनि खेताराम जी आपरो तन मन भक्ति में लगाए दीदो, कठई जमो जागरण वे तो बठे पोच जावे और रात भर बिना आँख झोंप्यों सत्संग करे माला फेरे और घणकरी टेम एकांत में बैठ आँखियों बंद कर बिना होठ जिलाजों अजंपा जाप जपे। एक बार एक दरवेश फकीर संत गुणेशानंद जी बाल खेताराम जी ने शायरी बेरी में एक सत्संगत में मिल्या। गुणेशानंद जी बालकरो अलौकिक तेज और एक निष्ठ भगवत भाव देख अंतर्दृष्टि लगाई तो पतो लगायो के वो बालक कोई अवतार है और इन संसार में कोई मोटो काम करवा आयो है। संत महात्मा गुणेशानंद जी खेताराम जी ने पूछियो बच्चा कोई गुरु बनाया है कि नहीं,
किसी फकड़ सन्यासी को बनाना सही मार्ग बताएगा। इतो सुनतो ही खेताराम जी उबा हो गया और महात्मा जी रे पगों में दंडवत हो बोलिया, महाराज आप सु वतो कोई समर्थ संति सन्यासी गुरु नहीं मिले, सो मुँह मारो शीश आप रे श्री चरणों में अर्पित करूँ। बादशाह गुरु गुणेशानंद जी खेताराम जी रे शीश माते हाथ धर गुरु मंत्र फूके चला बनाए दीदा और दीक्षा दी दी। गुरु गुणेशानंद जी री देख रेख में खेताराम जी योग साधना शू आप रे शरीर में मोहली शक्तियों ने जागृत की दी। समर्थ गुरु री कृपा वे जद हियरी ओंख्यों खुले संत साधुल कहवे। कृपा सतगुरु हम पर कीनी, जद मेरी सुरता जागी। सैया जद मेरी सुरता जागी, दीप दिशो दिश पूरण दर्शाए, दीप दिशो पूरण दर क्या अनहद पीछे आगियो, धन राम भजन सुलागी। धन राम भजन सुलागी, आओ मेरी ब्रह्म नाम न किए भागी। आओ ब्रह्म नाम नडरी भागी, धन राम भजन सुलागी। आओ लव राम भजन सुलागी। बाजा ब्रह्मषि खेताराम जी रे तो राम नाम री कटारी ऐसी लागी के काल जरे आरो पार निकल गई। बाप जी खेताराम जी 3 बरस ताई पिंपलिया तालाब माथे शिव जी रो धुणो दुखाए और घोर तपस्या की दी। एक बार विहार करता आपरे जूने गांव जलम बोम खेड़ा गया और वठे एक जाल रे दरखत ऐठे बैठ आसन जमाए और तपस्या की दी। उन पड़कने में रघुनाथ जी नाम रा एक पुगोड़ा संत तपस्या करता, दोनों ही संत मेल भेड़ा हुआ ज्ञान चर्चा करे और माला फेरे। जात पात भेद भाव ऊंच नीच जड़ी बुराइयों से अलगा खेतेश्वर महाराज तपस्या रे बल माते सिद्धि प्राप्त की दी। हरमता जोगी सिद्ध खेतेश्वर जी सेवण में बाबा राम शाह पीर रो और मूठली में महादेव जी रो मंदिर बनाए तपस्या की दी और मिनखों ने सत्संग अहिंसा जीव रे कल्याण ज्ञान और मन के जलम रे हेतु रा उपदेश दीदा। डिंगल काव्य में पहलो छंद बनावणिया कविराज विसनदौन जी खिड़िया। बोर चारणान आपरे रोमकन छंद में बाप जी री जोग महिमा रो वर्णाव इन तरह करे। अल्लबाट बघंबर धीरज आसन गुण गंभीर ज ज्ञान गति भटके वल छाज जयाप वैराजत जोग समारण याप जति सब सूर ज चंदाय हेक संगी कर सूर सुखम मण पाय चंपे अद्भुत यगम निगम युचारत तात खेतेश्वर जोग तपे जिय जाय ब्रह्माजक जोप जपे जिय जाय ब्रह्माजक जाप जपे। वाजा बाप जी समुद्री गांव में एक बड़ रहे नीचे आसन लगाए लगोतार 12 बरस ताई बिना अन्न जल लिया अखंड तप की दो और कुंदन काया में ब्रह्म ज्ञान री ज्योत भड़की और खेताराम जी आसन साधना कर योगी क्रिया कर्म से 10वें री खिड़की खोल अणहद नाद सुन मगन हो गया। अमीरस झरने रे अमृत सु सांसारिक मोह रो मेल धुड़ गयो और हंसलो एड़े अमर तकत माथे जाए बैठ्यो जठे नी तो जलम है नी मरना है नी जलमना है। आवागमन सु मुगत हंसे सीधी मकड़ी तार त्रिपुरारी सु मिलाई संत महात्मा जसुदा जी कहो है। अगर जानी पहर की आशन धर बिना धुवी दुखाया रे साधु बनाया गनी एक तपियो अखंडी ध्यान अमर
सत धाया रे साधु होयो मन जोगी आजे हमारा करणी राजोगे कमाया रे साधु होयो मन स्वामी हो आजे हमारा बाजा करणी पुरुष ब्रह्म ऋषि खेतेश्वर जी महाराज समुद्री सिवाने पड़गने रे भक्ता और चेला री अरदास माथे समुद्री रेलवे स्टेशन कने एक मंदिर बनाए आपरे कर कमला सु महादेव जी री मूर्त विराजमान की दी और अठे एक भगत पीपा जीरो मंदिर बनाए प्रण प्रतिष्ठा कराई अठे सु सिद्ध खेतेश्वर जी रे परचों सु दुनिया वाकिफ होवन लगी। एक दिन बाप जी रेलगाड़ी में यात्रा करा रहा है, टीटी आए टिकट मांगियो, बाप जी आपरी झोली सु पैसा काट और टीटी ने टिकट बनाने की बात की दी, अपन टीटी फकड़ बाबा जी ने देख बफरियो और बाप जी ने रेल सु नीचे उतर वारो कहो। बाप जी आवरो चुटी और झोली ले नीचे उतर गया और एक दरखत री छाया में जाए समाधि लगाए साधना करवा लाग गया। वाजा रेलगाड़ी बटे जाम हो गई, दो दो इंजन लगाया, दो घंटा मशगत की दी, पण रेल तो हिली नी तो नीज हिली। जद गिणी भगत जाए टीटी ने बाप जी री करामात से वाकिफ करायो, कह ओ बाप जी है तू जुलम कर दियो। टीटी आए पगा पड़ियो, बाप जी आपरी झोली सु धोबो भर हर एक स्टेशन का टिकट बतावता बोलिया, ले भाई टिकट बाबू थने किन स्टेशन डो और कितो टिकट चाहिए ओले। टीटी माफी मांग, बाप जी ने रेल में बिठाया और बाप जी आप रे चुटिए सु रेल ने हलकारी, हलो मारी रेल भवानी संतों रे हलो देश। और रेल सीटी मारती धक धक करती रवानी हो गई। समृद्ध बाप जी खेतेश्वर जी महाराज राजपुरोहित समाज री आर्थिक सामाजिक धार्मिक और शैक्षिक हालत देख घना दुखी रहता और समाज रे लोगों ने आपरी ब्राह्मण होवन री असली ओळखण समझावता। बाप जी समाज री अनपढ़ता माथे दुखी होए विचार करता के जे पुरोहितों आपरा संस्कार छोड़ दीदा तो दुनिया नो मार्ग कौन बतावेला, और जे माथो ही खराब हो गयो तो शरीर का सगड़ा अंग खोटा ज काम करेला, ओहो यूं तो गजब हो जावेला। और ब्रह्म ऋषि जी ने आपरे अवतार रो हेतु समझ में आ गयो, अठे सु महामुनि जी तय कर लीधो के मार्ग चूक पुरोहित कौम ने हेंगो पहले आपरे मूल फरज और सुसंस्कार और उत्तम चीलो जलाणो। बाजा त्रिकालदर्शी खेतेश्वर महाराज बाड़मेर जिला रे बालोत्रासू 8 किलोमीटर गढ़ शिवणा मार्ग माथे आशोत्रा गांव में शिवजी रो धूणो थपाए कण कण बिखरियोड़े राजपुरोहित समाज ने एक जाजम माथे लाए एक मंच दीदो और ब्रह्मोत्तर संस्कारों री अलख जगाई। चमत्कार ऐसो हुआ कि आखे देशरा राजपुरोहित बुराइयों और कुसंस्कार छोड़ ब्रह्म स्वरूपी आचरण करवा लग गया। अटे सु राजपुरोहित समाज भेड़ बकरी धन पालनो बंद कर दीदो और समाज रा मोटियार घर छोड़ बारे निकलिया और दूजा चोखा धंधा हलवाईपणो दुकानदारी ठेकेदारी पढ़ाई कर और चीजों पकड़ न्याल हो गया। वाजा ब्रह्म ऋषि महात्मा खेतेश्वर जी आशोत्रा में भगवान ब्रह्मा जी रो मंदिर बनावन रो मतो कीधो। ब्रह्मा जी रो मंदिर संसार में भगत पुष्कर में ही जाए, देवी सावित्री जी रे श्राप मुजब जे कोई ब्रह्मा जी रो मंदिर बनावेला तो उनने प्राण प्रतिष्ठा रे साथे जावणो पड़े। जावणो है तो है ये एक दिन आ सोच खेतेश्वर जी महाराज विक्रम संवत 2018 री बेशाक सुधी पंचमी 20 मई 1961 रे दिहाड़े आपरे हाथों सु ब्रह्मा जी मंदिर नीमी राख काम शुरू करवा दीदो। पण उन टाइम पैसा कठे सगड़े राजपुरोहित समाज री भागीदारी पक्की करवा सारूँ, बाप जी आपरे मुकुंद घोड़ा चढ़ घर घर जाए ब्रह्मोत्तर ने जगाई, भाई एण खेता रहे तो की नहीं चाहिए, गणो दियो थोड़ो दियो पण हाथ रो उतर दो जरूर दियो, एक रुपयो ही दे और एण ब्रह्मदान में आपरी भागीदारी पक्की करो। वाजा बाप जी 24 वर्ष ताई आपरी अखंड साधना रे सागे समाज जागरण रो पुनीत काम करता थका, खुद री कारीगरी तकनीक और होशियारी सु भगवान ब्रह्मा जी रो आलीशान मंदिर फकत राजपुरोहित समाज रे चंदे सु बनायो।
विक्रम संवत 2041 री वैशाख सुधी पंचमी 6 मई 1984 रविवार दिहाड़े साधु संतों भक्तों धर्मालुओं और राजपुरोहित समाज सेवकों और 36 गौम री मौजूदगी में आपरी योग माया सु भगवान ब्रह्मा जी और माता सावित्री जी ने तेड़े ले आया और आपरे हाथों सु मूर्त मौन प्रतिष्ठा की दी। उणीज भगत सिद्ध योगेश्वर बाप जी आपरा प्राण परम पिता ब्रह्मा जी रे श्री चरणों में अर्पण कर फगत 24 घंटों सारू आपरे भौतिक शरीर री ब्रह्मा जी और सावित्री जी सु मोड़त मांगी। बाजा बाप जी आपरे हाथों सु सगड़ा साधु संन्यासियों ने दिखना दे सीख दीदी और दूजे दिन सवार राजपुरोहित समाज रा मौजूद लोगों ने बुलाए थब्बड़ थाट ब्रह्मोत्सवा ने आपरो छेलो संदेश सुनायो। सुनो सगड़ा बंदुड़ों थे रहजो हिलमिल साथ सगड़ा सिमर जो राम ने थोरे सुनेरी वे प्रभात हिलमिल रहजो भया थे भेड़ा देश विदेशों माय लक्ष्मी आवे थोरे चौगुणी कमी कोई रेवे नाय याद राख जो भगवान ने सिमर जो सृजन हार अन्न धनरा भंडार भरू थोरे हिले हाजर त्यार अर इन तरह एक उर्दगामी तपसी वेदज्ञ वचन सिद्ध गो भगत पर्यावरण रक्षक कर्म जोगी समाज सेवक ब्रह्म अवतार खेतेश्वर भगवान आपरी झोली चिटियो और माला आपरे सिद्ध चेला तुलसाराम जी सराणा ने झेलाए आशीष दे सगड़ा रे समा हाथ जोड़ समाधि री मुद्रा में बैठ ओम रो उच्चारण करता थका 7 मई 1984 रे दोपहर 12:36 माथे 72 री उम्र में इन धरती माथे अमर इतिहास कायम कर ब्रह्म तत्व में विलीन हो गया। मौके माथे हाजर मिनखरे आंखों सु श्रवण भादवेरी झड़ी मांडी हजारों लोगों ने बिलकता छोड़ ब्रह्मा जी रो अंश पाछो ब्रह्मा जी में ज समाविष्ट हो गयो। वाजा ब्रह्मषि सर्वज्ञ सिद्ध योगेश्वर बाप जी खेतेश्वर जी महाराज रो बैंकुट धाम ब्रह्मा जी री मंदिर रे सामो साम बनेड़ो है जठे बाप जी री मुख बोलती मूर्त आज ये आवण वाले भक्तों ने आशीष दे रही है। खनई बाप जी रे स्वामी भगत घोड़ा मुकुंदरी समाधि बनी है जो बाप जी रे देह त्याग्या पछे 24 घंटा तई अदरधार आंखों सु गंगा जमुना बरसावतो अन्न जल छोड़ आपरो शरीर तजे और हंसलो लेर आपरे मालिक ने पूगो। ब्रह्मधाम आशोत्रा में अबार योगीराज सिद्ध साधक और अजंपा जप तपधारी बाप जी 1008 श्री तुलसाराम जी महाराज गादी तपे। बाप जी तुलसाराम जी वचन सिद्ध त्रिकालदर्शी मस्त मलंग फकीर सौम्रत तत्वज्ञानी महापुरुष है जिन्हों सृष्टि रे चार धामों री यात्रा कर चौमासा की दा आप श्री महामनीषी कई वर्षा लग मौन तपस्या कर सिद्धि पाई मंदिर त्रष्टि तरफ सो जात्रुओं सारों भोजन प्रसादी निःशुल्क है। हरेक मेणेरी पूनम ने अटे जोरदार मेलो भरी दे हजारों श्रद्धालु शीश नमावे। इन बात में तथ्यों री गहन जानकारी बाबत साहित्यकार समाज सेवी अनुसंधानी ब्रह्म भगत श्री गौरव राज सिंह जी राजपुरोहित जुड़िया मारो घणो सहयोग कीधो सो आपने घणा रंग आपूं। बोलो योग पुरुष केतेश्वर महाराज की जय।